गाइस देखिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इसका टॉपिक ही इस टाइप का है। एलियन, एक ऐसा नाम, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा भाव जिसको सुनते ही हमारे अंदर एक रोमांच आ जाता है। हकीकत में एलियन हैं कौन? क्या वो हैं जो दूसरे ग्रह पर रहते हैं? क्या वो हैं जो हमसे लगभग 10,000 वर्ष आगे हैं? क्योंकि उनके प्रथम प्रमाण जो हमको मिलते हैं वो लगभग उसी समय के हैं जब उन्होंने हमें सभ्यता का पाठ पढ़ाया, हमें सोसाइटी में रहना सिखाया, हमें एग्रीकल्चर करना सिखाया, हमारे अंदर बहुत सारी नॉलेज डाली। और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं उस पीरियड के और उसके बाद के पीरियड के जो उन्होंने बनवाने में हमारी मदद की। या वे वो हैं जो हमसे आगे की प्रजाति है, या वे वो हैं जो हमारे अंदर अपना इतिहास देखते हैं, या वे वो हैं जो हमारी पृथ्वी को अपना अगला घर बनाने की फिराक में है, या वे वो हैं जो अभी भी आते हैं और उनकी बहुत बड़ी संख्या हमारी ही पृथ्वी पर गुप्त स्थानों पर रहती है, जिसमें आप एरिया 51 ले सकते हैं। बहुत सारे एटॉमिक पावर प्लांट्स, एटॉमिक पावर रिसर्च सेंटर्स, या अमेजॉन के जंगल, या तिब्बत और हिमालय के बीच का क्षेत्र, ये बहुत सारी एक थ्योरी है जिस पर आगे मैं आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न और भी है हमारे अंदर कि क्या एलियंस हम इंसानों की ही भांति हमारे बीच में रहते हैं? चलिए अब हम आते हैं अपने एक टॉपिक पर, जिसमें यह है कि एलियंस को देखना, यूएफओ को देखना, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। उधर आप अगर यूएसए में जाएंगे तो एरिया 51, एलियंस पर रिसर्च करने का एक बहुत बड़ा सेंटर, जिसको कभी भी यूएसए की गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज़ नहीं किया। वहाँ पर कोई एडमिशन नहीं, किसी भी व्यक्ति का आना जाना नहीं, यहाँ तक कि उसके बारे में उन्होंने जानकारी कभी भी मीडिया को भी बहुत अधिक रूप में देने की कोशिश नहीं की। वहाँ पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड अपने रिसर्च वर्क करते हैं और ये पूरा एरिया हमारी एयरफोर्स के अंडर में आता है। अब इस क्षेत्र पर न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब कुछ समझ में नहीं आता। क्या ऐसा है कि वो एलियन से अपनी न्यू टेक्नोलॉजी लेते हैं और फिर उसको यूज़ करके नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? चलिए देखते हैं। एक घटना हुई थी दोस्तों 1991 में, जबकि डॉक्टर लुईस तुरी और उनकी पत्नी का अपहरण हो गया था, और लुईस तुरी को एलियंस अपने एलियनशिप में ले जाकर उन्होंने उनको अपने रिसर्च केबिन में बिठाया, उनको हेलमेट लगाया और उनको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि उनके दिमाग के अंदर बहुत कुछ फीड किया गया। अब ये सारी चीज़ें क्या थीं? जैसा उनका कहना है कि उनको उसके बाद से दुनिया के रहस्य और नतीजों के आकलन करने की एक ताकत मिल गई। उस समय उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उनके अनुसार उनका बच्चा उनकी पत्नी के पेट से निकाल लिया गया और बाद में उसको एज इट इज़ कर दिया गया, जिसको देखकर उन्हें खुद बहुत आश्चर्य हुआ। एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें कि जिसका नाम था अ कन्वर्सेशन विद डॉक्टर तुरी। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जब एलियंस ने मुझको छुआ कि शायद मुझे ईश्वर ने छुआ है। और डॉक्टर तुरी 1984 में फ्रांस से यूएसए आ गए थे। उन्होंने दावा किया कि 9/11, उसके अलावा एशिया में जो 2004 में सुनामी आई वो, 2019 में ऑस्ट्रेलिया में जंगलों की जो आग लगी वो, और 2020 में अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुए उसके परिणाम, इन सब की भविष्यवाणी उन्होंने पहले से ही कर दी। दूसरी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात क्या हुई कि डॉक्टर तुरी खुद कैंसर के पेशेंट थे और उनका ये कहना था, उनका यह दावा था कि मैंने खुद अपनी उसी पावर से अपने कैंसर को ठीक किया। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या एलियंस हैं? क्या वो आते हैं? क्या वो हमारे मध्य में ही रहते हैं, हमारे बीच में ही रहते हैं? क्या वो हमसे आगे की प्रजाति है जो हम में अपना इतिहास देखती है इसीलिए हमारी मदद करती है, या क्या वो हमसे बिल्कुल अलग हैं और शायद वो अपने ग्रह को अब उस स्थिति में नहीं पा रहे हैं कि वहाँ पर वो एग्जिस्ट कर सकें, इसलिए उनको एक नया घर चाहिए और शायद हमारी पृथ्वी उनके लिए एक बहुत ही सुटेबल प्लेस हो। तो चलिए इन सब प्रश्नों के जवाबों को खोजते हुए अब मैं आगे वाले वीडियो में आपसे मिलूँगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।